मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप मुझे देख रहे हैं बिंदास भोजपुरी पर। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि भाई वीर हनुमान को लेकर जो भी विवाद है उस पर हम जल्द ही एक वीडियो आप लोगों के बीच डालने वाले हैं। रत्नाकर कुमार की फिल्म वीर हनुमान जिसे लेकर एक बड़े चैनल ने यह खबर चलाई कि फिल्म नहीं बनने वाली है क्योंकि खेसारी लाल यादव और रत्नाकर कुमार के बीच किसी तरह का कोई मतभेद हो गया है। तो इसी खबर को लेकर जब हमने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के मालिक रत्नाकर कुमार से इस मामले में उनकी राय जानने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो वो व्यस्त थे, शायद इसलिए उनका कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जब फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल को मैंने इस सिलसिले में फोन किया तो पराग पाटिल ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें, जी हां, बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा हूं, जो रूमर फैल रहे हैं वीर हनुमान को लेकर, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले दिनों की गई थी, जो फिल्म अपने अनाउंसमेंट के साथ ही विवादों में थी, उसे लेकर यह बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा हूं। जो लोग भी ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं कि वीर हनुमान नहीं बनने वाली है, उन तमाम लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि पराग पाटिल ने कहा है कि वीर हनुमान ऑन है। जी हां, वीर हनुमान बिल्कुल बनेगी। कम से कम उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि फिल्म बंद कर दी गई है या नहीं बनने वाली है। पराग पाटिल ने यह भी कहा कि ये रूमर्स हैं, झूठी खबरें हैं, जिसे प्रसारित करने से मीडिया को भी बचना चाहिए। तो अब सफाई आ चुकी है, अब आप लोगों को यह पता चल चुका है कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया के स्कूल से बाहर आ रही है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पराग पाटिल से जब मैंने ये कहा कि क्या आप इस मामले में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कम से कम दर्शकों के सामने आकर आप इन रूमर्स पर किसी तरह की सफाई दे दीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई वीर हनुमान बन रही है और इस प्रोजेक्ट में कोई देरी नहीं है। तो पराग पाटिल ने कहा कि 25 तारीख को, इस महीने की 25 अगस्त को रिलीज हो रही है संघर्ष 2, और रत्नाकर कुमार के साथ साथ पराग पाटिल भी इस फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है, उसकी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि एक ग्रैंड लेवल का रिलीज देना है संघर्ष 2 को। खेसारी लाल यादव के साथ मतभेद के सवालों पर भी पराग पाटिल ने इसे सिरे से नकार दिया है। तो जो लोग भी झूठी खबरें चला रहे हैं कि वीर हनुमान नहीं बनने वाली है, प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि ये फिल्म एक बड़ा सपना है रत्नाकर कुमार का, पराग पाटिल का और खेसारी लाल यादव का। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आनंद कमलेश त्रिपाठी, बिंदास भोजपुरिया, मुंबई।